मैं ये कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर एक को जाना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि और एजुकेशन भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जनरेशन के लिए। और मैं कहना चाहूँगा कि जो स्पोर्ट्स है ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें इंसान जो है वो बहुत तंदुरुस्त रहता है। और हम मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो ड्रग्स है उससे हमें दूर रहना चाहिए आज के यूथ को, और हमें स्पोर्ट्स की तरफ और एजुकेशन की तरफ ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि जो स्पोर्ट्स है वो हमें एक तो फिट रखता है और दूसरा हमारे दिमाग को तंदुरुस्त रखता है। और पीएम मोदी ने जो खेलो इंडिया मिशन चालू किया है यहाँ पर, उसमें मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहूँगा, क्योंकि एक तो मैं भी अपने इसमें क्या बोलते हैं मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाहूँगा एक स्पोर्ट की फील्ड में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी एज के जो लड़के लड़कियाँ हैं वो आज ड्रग्स के साथ एडिक्टेड है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीएम ने जो खेलो इंडिया मिशन स्टार्ट किया है उसका मैं एक हिस्सा बनना चाहता हूँ और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो आज मैंने सेकंड पोजीशन लाई है CCR में, तो हमारी रेज जो थी वो टंगमर्ग टू कुंजर थी। तो जो हमारी एज के टीन एज लड़के लड़कियां हैं तो वो आज ड्रग्स करते सिगरेट्स पीते, तो मैं यही बोलता हूँ उनको कि मत करे ऐसी स्पोर्ट्स में ये पार्टिसिपेट किया करे। तो और खेलो इंडिया जैसे पीएम मोदी ने बोला है तो वैसे ही पार्टिसिपेट किया करें। किसी ने मैं भी एक एथलीट बनना चाहता हूँ और मैं भी स्पोर्ट्स में आना चाहता हूँ, अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहता हूँ। बड़ी खुशी हुई फर्स्ट पोजिशन लेके, जो हमारी रेस थी स्कूल की टंगमर्ग से कुंजर तक, बड़ी खुशी हुई कि हम मुझे ये फर्स्ट पोजीशन मिली यहाँ पर। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स पढ़ाई के साथ साथ हमें स्पोर्ट्स भी रखना चाहिए, क्योंकि इससे हम ड्रग्स वगैरह से बच सकते हैं, ड्रग एडिक्शन से बच सकते हैं। जो आज लोग जो भी बच्चे होते हैं हमारे टीन एज के वो सारे ड्रग एडिक्ट हैं, तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि सारे बच्चे स्पोर्ट्स में आने चाहिए। जैसे कि हमारे पीएम ने बताया कि खेलो इंडिया का जो मिशन है, इसलिए हम भी चाहते हैं कि हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें खेलो इंडिया से। तो मैं बाकियों को भी गुजारिश करता हूँ कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। Aliza from 50, house team. Secured 8th position. Maisa from class 50.